है नेस्टो के एंट्री गेट और यहाँ से हम एंट्री करते हैं। ये हमारे साथ देखो कितने सारे भाई साहब मिले। सुल्तान भाई ने फाइनली बुरका ले लिया और 60 रियाल का ये बुरका लिया। और ये जो धूप है सिर्फ रोशनी के लिए धूप है और वैसे मौसम तो ठंडा है ही है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सादरे व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। आज की जो ये वीडियो है ये ब्लॉगिंग होने वाली है। मैं इस वक्त हूँ सऊदी अरबिया रियाद में और आज छुट्टी का दिन है। मैं जा रहा हूँ बथा मार्केट और कुछ ख़रीदारी करनी है घर जाने की खुशी में, क्योंकि ये हमारे मस्तान भाई है और मस्तान भाई का फाइनली टिकट आ गया है रियाद से चेन्नई के लिए। तो ये चेन्नई का मतलब तैयारी कर चुका है, सामान कुछ पैकिंग है और कुछ सामान ऐसे हैं कि बहुत से सामान ख़रीदारी करना है। और जो लोग छुट्टी पे जाना चाहते हैं उनका भी सवाल होता है कि हमें कौन कौन सा सामान लेके जाना चाहिए, कौन से लेके नहीं जाना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बिल्कुल लाइव दिखाऊँगा और भी बहुत सी ऐसी चीज़ है कि आप लोगों को इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो आप लोग मेरे साथ लाइन पर बने रहिए। तो चलिए अब आगे बैठ गए हैं। मैं हूँ एक ये मस्तान भाई है और मस्तान भाई आज ये ड्राइव कर रहे हैं और एक बंदे और है उसका वेट कर रहा हूँ, वो आने वाला है और उसके रूम के बाहर खड़ा हूँ। मस्तान भाई क्या कहते हो, सुबह का टाइम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हां भाई कैसे? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। आप लोग सब कैसे हैं? खैरियत से हो? और खैरियत से रहना है और सब खैरियत। हम बता जा रहे हैं सामान कुछ खरीदने के लिए और इंडिया जा रहे हैं, बीवी बच्चों के लिए कुछ सामान खरीदना ज़रूरी है। उम्मीद रहती है आप घर वालों को भी कुछ सामान लाएंगे, खरीद के लाएंगे बोल के। इंशाल्लाह हम खरीदने के, आप भी कोशिश करो जो सामान लेने की, जो सफ़र जा रहे हैं उनके लिए सामान लेने की कोशिश करो इंशाल्लाह। सबसे पहला नंबर आपने बोला कि आप लोग कैसे हैं कि खैरियत होंगे। खैरियत तो उतना नहीं है जितना आपकी खैरियत है, क्योंकि आप छुट्टी पे जा रहे हो और जो आपके अंदर खुशी है ना उसकी बात ही कुछ और है। जो आदमी छुट्टी पे जाता है उसकी शक्ल और उसकी नींद, उसकी सोना, उसका चलना सब अलग हो जाता है। क्योंकि वो अगर सो भी जाए तो उसके दिमाग में एक ही बात होता है कि सामान पैकिंग कर रहा हूँ या घर जाने की तैयारी कर रहा हूँ, रास्ते में हूँ। और भाई हमें तो मालूम है घर ही नहीं जा रहा हूँ तो ऐसा सपना आके भी किस काम का। तो आपकी बात कुछ और है और बहुत अच्छी बात है। हर किसी का एक ना एक दिन ये दिन आता है और ये दिन देख करके बहुत अच्छा लगता है और बड़ा खुशी मिलता है। आज का दिन मैं चाहूँ कि आप लोगों के लिए एक छोटा सा ब्लॉग शूट करूँ और इस ब्लॉग में बहुत सी ऐसी जानकारी है कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, क्योंकि आप लोगों का बहुत सवाल आता है कि छुट्टी को लेकर के जाते हैं क्या सामान लें, क्या ना लें, कहाँ से सामान लें जो सस्ता मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा 3-4 ऐसे मार्केट जाऊँगा, क्योंकि बादाम के भी मार्केट जाना है, उसके बाद सोने की भी मार्केट जाना है, उसके बाद लुलू हाइपर में भी जाना है और उसके बाद नेस्टो में भी जाना है। तो सारी जगह का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आप लोग मेरे साथ लाइन पे बने रहिए, अब आगे की ओर चलते हैं। तो ये मैं पहुंच गया हूं जो एग्जिट नंबर है 23 पे और 23 एग्जिट इस वक्त क्रॉस कर रहा हूं। और माशाल्लाह सुबह का टाइम है और नज़ारा भी आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा और खूबसूरत नज़ारा है। मौसम भी ठंडा है और ये जो धूप है सिर्फ रोशनी के लिए धूप है और वैसे मौसम तो ठंडा है ही है। और इस फ्लाईओवर को देख करके बहुत अच्छा फील होता है और बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ट्रैफिक तो खैर यहाँ पे होता नहीं है, थोड़ा बहुत ट्रैफिक होता है तो आगे होता है बस। और ये हमारे मस्तान भाई ड्राइव कर रहे हैं और ये नासिर भाई भी पीछे बैठ करके देख रहे हैं कि किस तरह से मस्तान भाई ड्राइव कर रहे हैं। तो ये है होटल, ये जो आप राइट साइड में देख रहे हैं हिल्टन बाय शेरेटन होटल है ये सऊदी अरबिया का और ये बहुत ही फेमस होटल है और इंडिया में भी इसके कई ब्रांच है इस होटल का। और ये एरिया लगता है बथा का और बथा मार्केट के। इस वक्त हम पहुँच चुके हैं और यहाँ से हम यू टर्न लेकर के अब पार्किंग ढूंढेंगे गाड़ी पार्क करने के लिए। पार्किंग में लगा दिया हूँ, ये हम लोगों की फेवरेट पार्किंग है। और ये पार्किंग जो बथा मार्केट के रोड के इस साइड है और पार्किंग करके मैं सामने उस साइड चला जाता हूँ, क्योंकि जुमा का दिन है और ज़्यादा भीड़ होगा उस साइड। तो ये मेन बथा में मैं आ गया हूँ। इस कुबड़ी को आप देख रहे हैं, पहचान रहे मैं इस पर कहा हूँ। ये मेन कुबड़ी है बथा का और ये रेड लाइट है और ये पूरा का पूरा एरिया। तो सबसे पहले हम चलते हैं नेस्टो मार्केट में और नेस्टो मार्केट में कुछ सामान खरीदारी करना है, उसके बाद सोने की मार्केट जाएंगे क्योंकि मस्तान भाई को सोने का चैन लेना है। भाई बथा में इस वक्त बहुत ज़्यादा चेकिंग है और जो बथा में चेकिंग है वो आदमी को देख करके चेकिंग कर रहे हैं कि किसे रोकना चाहिए। जो आदमी, बहुत से आदमी यहाँ रेड लाइट में मुझे ऐसे मिले हैं कि जो खुद को पकड़वाने के लिए आएँ कि मुझे पुलिस वाले पकड़े और मुझे वापस अपने देश भेज दें, उसे नहीं पकड़ रहे हैं। हम जैसे सीधे साधे आदमी को रोक रहे हैं, रोक करके कहता है कि भाई ऐसा है इकामा दिखाओ, इकामा दिखा दो। तो वो कहता है तुम्हारा ड्राइविंग वीज़ा है, उसे बोलो हाँ भाई ड्राइविंग वीज़ा है। कहता फिर लाइसेंस दिखाओ,
लाइसेंस दिखा दो फिर कहता है जाओ। अगर जिसके पास लाइसेंस नहीं है, इकामा है, उसको रोक के रखता है, कहता है भाई कफिल से बात करवाओ फिर हम तुम्हें जाने देंगे। तो बहुत से ऐसी लफड़ा है। अगर आपके पास ओरिजिनल इकामा साथ में नहीं है तो वो आपके लिए ज़्यादा दिक्कत करेगा। फ़ोन में जो आपका डिजिटल इकामा है उसकी वैल्यू नहीं देगा जल्दी। और मास्क हमेशा चढ़ा करके रखना। और मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, ये मार्केट आप देख सकते हैं पीछे, ये पीछे की मार्केट है। हाँ तो ये पहुँच गया हूँ नेस्टो मार्केट। यह आप पटरी देख रहे हैं कि कितना क्लियर लग रहा है। क्लियर बोलने का मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे ओपन मार्केट लगता है और इस वजह से इस वक्त ओपन मार्केट है नहीं तो क्लियर लग रहा है। ये है नेस्टो की एंट्री गेट और यहाँ से हम एंट्री करते हैं नेस्टो के अंदर। जैसे कि आपने देखा कि ट्रॉली ले लिया हूँ और ये सामने मैं एंट्री कर गया हूँ नेस्टो में। और ये नेस्टो का सीन है पूरा का पूरा। एक ये ब्लूटूथ है 55 रियाल का और ये 49 रियाल का। वैसे 20 रियाल वाला भी है ये वायर वाला ब्लूटूथ। और नेस्टो में तो खैर ऑफर लगा ही रहता है। ये 115 रियाल का कितने पीस है? उसका दो पीस है ना। 115 रियाल में ऑफर नहीं है अभी, अच्छा ऑफर चल रहा है। ये अच्छा ऑफर, ये चार पीस वाला है। सामान भी अच्छा है आपका इंडिया में किधर भी। तो मिक्सर मशीन ये 109 रियाल का, ये ग्रीन वाला मिक्सर मशीन। मस्तान भाई घर जा रहे, गुड़िया तो बनता है ना। कितना है पता करो कितने का। नेस्टो में सामान की खरीदारी हो गई और ये देख रहे हैं ट्रॉली लेकर के लाइन में लगा हूँ काउंटर पे बिल करवाने के लिए। अभी करीब 3 या 4 आदमी बाद मेरा नंबर आएगा। मैं पहुँच गया हूँ ये नेस्टो के साथ में, ये यूपी होटल है। इस होटल को शायद आप लोग जानते होंगे। तो ये हमारे साथ देखो कितने सारे भाई साहब मिले। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है। कहाँ से आप? यूपी से। अरे भाई साहब बताओ, यूपी से बहुत अच्छा लगा मिलकर। भाई साहब आप कहाँ से? आप भी यूपी से हैं? कुशीनगर जिला। कुशीनगर। वैसे आपने कहा टिकटॉक पे देखा मुझे, यूट्यूब पे टिकटॉक में भी। तो ये भाई साहब भी हमारे फॉलोवर मिल गए और बहुत से ऐसे आदमी हैं कि जो हमारे जानकार हैं। और नेस्टो यहाँ पे नेस्टो के पास आया हूँ। 3 रियाल में नाश्ता मस्त। अगर चिकन मटन भी लेता सुबह नाश्ते में वो स्वाद मुझे नहीं मिल पाता जो स्वाद ये मुझे मिल रहा है आलू के पराठे में और ये आलू मटर की सब्जी में। ये बुरके की दुकान पे मस्तान भाई आए हैं बुरका लेने के लिए और देखते हैं कि कौन सा बुरका इसे पसंद आता है और ये कितने का है। तो ये बता रहे भाई साहब ये अम्ब्रेला डिजाइन है। और ये दूसरा कौन सा था इसके नीचे? दुबई मॉडल। ये दुबई मॉडल है। कौन सा मस्तान भाई ने फाइनली बुरका ले लिया और 60 रियाल का ये बुरका लिया है। और जो आपने डिजाइन देखा ये डिजाइन इसमें से इन्होंने लिया है 60 रियाल का और बहुत अच्छा अच्छा डिजाइन है। 40 रियाल, 50 रियाल, 60 रियाल इस तरह से। ये है दुकान चॉकलेट की और इसके अंदर आप देख सकते हैं चॉकलेट ही चॉकलेट है, पूरा का पूरा चॉकलेट बड़े बड़े हैं। नया फ़ोन खरीदा था ना, इसका बैक कवर और स्क्रीन गार्ड लगवाने के लिए आए हैं। 10 रियाल का बैक कवर और 10 रियाल का स्क्रीन गार्ड। और ये मोबाइल की दुकान पे हूँ मैं, इसमें पत्थर मार्केट में। एक दुकान के अंदर ये 3 बने हुए, एक काउंटर ये अलग दुकान है, जो दूसरा काउंटर है वो अलग दुकान है, जो तीसरा काउंटर ये है वो अलग दुकान। और जिस फोन से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इसका भी टेम्पर लगवा लिया हूँ, ये भी 10 रियाल का आया और बहुत अच्छा है। बता का खरीदारी हो गया, बताया था सामान लेने के लिए जैसे कि आप लोगों को दिखाया हूँ। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात इसलिए ये हो गई हम लोगों के साथ कि जिस काम से आया था वो काम नहीं हो पाया, क्योंकि जो सोने का सामान लेना था वो लिया नहीं हो और दुकानें बंद थी और वो जुमा के बाद दुकान खुलेगा, इसके लिए मुझे दोबारा आना पड़ेगा।
और जो आज की खरीदारी थी यहीं तक थी और इतना ही था। नेस्ट्रो और मोबाइल और भी मार्केट का पूरा आप लोगों को व्यू करवाया हूँ पूरी डिटेल में। और इस वक्त जा रहा हूँ मैं रूम पे, और रूम पे जुमा की नमाज़ पढ़ूंगा, और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर जा कर के मैं वापसी बथा मार्केट के लिए आऊँगा चैन के लिए और अंगूठी के लिए, क्योंकि बहुत से लोगों का सवाल है सोने के ऊपर कि कितना सोना हम सऊदी से इंडिया लेके जा सकते हैं और कौन सा सामान हमें लेना चाहिए और कितना टैक्स लगेगा और क्या रेट चल रहा है और कौन सा सामान हमें लेना चाहिए और कितने कैरेट का हमें लेना चाहिए। पूरी डिटेल उस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, तब तक के लिए